नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे इनकम टैक्स की, और इनकम टैक्स में हम लोगों ने इससे जुड़े हुए बहुत सारी बातों को समझा था और जाना था। आज की हमारे वीडियो का टॉपिक है निवास स्थान तथा कर दायित्व, यानी रेजिडेंट एंड टैक्स लाइबिलिटी। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किसी भी करदाता की टैक्स लाइबिलिटी क्या होती है और उसका निवास स्थान कैसे निर्धारित होता है, क्योंकि निवास स्थान के निर्धारण पर ही यह देखा जाता है कि किसी भी करदाता को टैक्स पे करना है कि नहीं पे करना है, कौन करदाता बनेगा कौन करदाता नहीं बनेगा। तो इन तमाम चीज़ों के लिए निवास स्थान का निर्धारण बहुत ही ज़रूरी होता है और उसी के हिसाब से कर दायित्व का भी निर्धारण होता है। सबसे पहले जानते हैं कि करदाता एवं करदाता की निवासी स्थिति का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ एसेसीज एंड रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एसेसीज। जो व्यक्ति यानी इंडिविजुअल्स हिंदू अविभाजित परिवार यानी HUF या संस्था भारतीय आयकर अधिनियम के कर देने के दायरे में आता है उसे करदाता कहा जाता है। यानी कोई भी इंडिविजुअल्स हो, हम हैं, आप हैं, या फिर किसी के माता पिता हैं, किसी के भाई बहन हैं, तो वे सभी लोग इंडिविजुअल्स कहे जाते हैं, व्यक्ति कहे जाते हैं। आगे कहा गया है हिंदू अविभाजित परिवार। कोई भी हिंदू अविभाजित परिवार है, वह बिजनेस कर रहा है, उसको लिया जाएगा। और आगे तीसरा कहा गया है संस्था, यानी कोई भी कंपनी हो गया, कोई भी उपक्रम हो गया, तो वो सारी की सारी संस्थाओं में आती हैं। और इसमें कहा गया है कि जो कर देने के दायरे में आता है आयकर अधिनियम के अनुसार, उसको कहा जाता है करदाता। तो हमने करदाता को समझ लिया। करदाता की परिभाषा अधिनियम की धारा 2-7 में दी गई है। करदाता के निवासी स्थिति की बात की जाए तो यह समझना चाहिए कि करदाता के निवास स्थान को ही उसकी निवासी स्थिति कहा जाता है। यानी किसी भी करदाता का निवास स्थान क्या है, वह कहाँ रहता है, उसी को ही निवासी स्थिति कहा जाता है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। आयकर अधिनियम के अनुसार किसी करदाता की निवासी स्थिति उसके गत वर्ष यानी प्रीवियस ईयर में भारत में रहने की अवधि पर निर्भर करती है। यानी किसी भी करदाता की निवासी स्थिति कैसे निर्धारित होगी, तो उसके निर्धारण के लिए इनकम टैक्स एक्ट ये बताता है कि वह पिछले वर्षों में कहाँ पे रहा है, उसके रहने की स्थिति के अनुसार इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग हम लोग निर्धारित करते हैं कि उसकी निवासी स्थिति क्या है। यह अवधि उस करदाता के भारत में न रहने की स्थिति पर बदल भी सकती है। यानी कोई भी व्यक्ति है, वह भारत में नहीं रह रहा है पिछले कुछ वर्षों से या पिछले वर्ष, तो उसके अनुसार वह स्थिति बदल भी सकती है, यानी निवासी स्थिति बदल भी सकती है। जब करदाता के निवास स्थान की गणना की जाती है तो उसे करदाता की राष्ट्रीयता एवं नागरिकता से कोई संबंध नहीं रखा जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब कभी भी किसी भी करदाता के निवासी स्थिति की गणना की जाती है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, तो इनकम टैक्स का प्रोविज़न कहता है, हम लोग ये तनिक नहीं देखते हैं कि उसकी राष्ट्रीयता क्या है, यानी वह किस देश का रहने वाला है, उसकी नागरिकता क्या है, वह किस देश का नागरिक है। क्योंकि कुछ स्थितियों में विदेश में रहने वाला व्यक्ति अगर भारत में इनकम कमाता है तो उसे उस इनकम पर भी टैक्स देना पड़ता है। तो हमने अभी तक समझा कि निवासी स्थिति का मतलब क्या होता है और करदाता किसे कहते हैं। मेरे प्रिय साथियों, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानते हैं निवास स्थान के आधार पर करदाता, यानी असेसिज ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंट्स, यानी उसके निवास स्थान के आधार पर करदाता कितने प्रकार के होते हैं। किसी भी करदाता के निवास स्थान के आधार पर
यानी करदाता के निवास स्थान के आधार पर करदाताओं को कितने भागों में बांटा गया है उसकी बात यहाँ पे की जाएगी और विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे इसको। करदाता के निवास स्थान की गणना के लिए निम्न करदाताओं के निवासी स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। यानी यहाँ पे तीन तरह के करदाताओं की बात मैंने की थी, जिसमें पहला है किसी व्यक्ति का निवास स्थान, दूसरा है किसी हिंदू अविभाजित परिवार का निवास स्थान, और तीसरा है किसी फर्म, व्यक्तियों के समूह तथा कंपनी का निवास स्थान। तो इन तीनों चीज़ों के आधार पर हम लोग निर्धारित करते हैं कि निवास स्थान क्या होता है किसी भी करदाता का।